हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है लेक्चर नंबर 9 या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 9 फॉर द टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका पहला चैप्टर है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। तो इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2023 में जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे, उसका सोल्यूशन भी पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग ने टोटल 8 वीडियो अपलोड किए हैं और जहां पर हम लोग बात करें बेसिक दो वीडियो, जहां पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड, मतलब जो आपकी बैलेंस शीट है और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका हम लोग ने फॉर्मेट क्या किया अच्छे से याद किए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट आता है तो ये मेरी श्योरिटी कि ये आपको चैप्टर 40 मार्क्स देगा एग्जाम में। मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो मैं बात कर रहा हूँ टीवाई बीकॉम के। अब कौन सा पेपर है आपका, 2024 है, 2025 है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई टीवाई बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 आपको टोटल 40 मार्क्स देगा, जहां अभी हम लोग फिलहाल बात करने वाले अप्रैल 2023 एटी केटी का पेपर। अब मुझे एटी केटी का हिंदू रेगुलर का हिंदू क्वेश्चन पेपर है, मतलब मुझे वो सॉल्व करने आना चाहिए, राइट और रॉन्ग? राइट सर। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था डियर फ्रेंड्स टोटल 10 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए फिर से बोलोगे? ठीक है, सबको दिख रहा है, वेरी गुड। अब यहां पे क्या दिया, माया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। यहां पर आपके पास में एक ट्रायल बैलेंस है जहां पर कैश इन हैंड ये सारी चीजें दे दी हुई है। सबसे पहले अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 10 मार्क्स के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको या तो प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा करने के लिए या तो फिर बैलेंस शीट। ठीक है, जरा ध्यान से सुनेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी भी आपको बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, फिर से बोल रहा हूं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी साथ में नहीं बोलेगा, एक ही चीज बोलेगा। तो इसके लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। अब यहां पे क्या बनाने बोला है, डायरेक्टर हैव टू प्रपोज टू मेंटेन द फाइनल इक्विटी डिविडेंड 15% अप्रोप्रिएशन 1 लाख। आगे हम लोगों को लास्ट में मेन क्या चीज है, प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्या बात है सर, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स के लिए। अब मुझे याद होना चाहिए बैलेंस शीट का मतलब होता है हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले फॉर्मेट में बताऊं, उसके पहले कौन से एक्सपेंसेस कहां लिखेंगे, देखो कैश इन हैंड कैश एट बैंक या आप लोगों का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है एकदम लास्ट में लिखेंगे। सैलरी डेटर ये है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल, क्या है ट्रेड रिसीवेबल, पूरा जब मैं सम सॉल्व कर रहा हूं ना आपको समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म होता है तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, क्या है नॉन करंट लायबिलिटी। स्टॉक एट कॉस्ट इसको एज्यूम करो ही मत। नेक्स्ट है तुम्हारा एडवांस इनकम हैज अ टैक्स पेबल, तो ये तुम्हारा जाता है स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, कहा जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ठीक है, उसके बाद में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हमेशा लॉन्ग टर्म से क्या करेगी आप लोग माइनस कर दोगे। सेंडरी क्रेडिटर्स ये है तुम्हारा ट्रेड पेबल, इक्विटी शेयर्स ये इक्विटी शेयर्स में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में लिखोगे आप लोग, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये है अदर करंट लाइबिलिटी, क्या है अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये तुम्हारा ट्रेड जो डेटर्स लिखोगे ना, मतलब ये जो नोट्स जो अकाउंट बनाओगे उसमें से माइनस करोगे। फिक्स डिपॉजिट आईडीबीआई मैच्योरिटी देखो एक साल के अंदर ही हो जा रही है ना, तो इसके लिए हम लोग इसको ना शॉर्ट टर्म, मतलब ये हो जाता तुम्हारा करंट एसेट में जाएगा, मतलब किसमें जाएगा फिक्स एसेट में। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में लिखोगे, फिक्स एसेट प्लांट एंड प्रॉपर्टी में लिखोगे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आपको माइनस करना है। ठीक है, ये वही स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जिसको पूरा फॉर्मेट आता हो। अब हम लोग ने क्या किया डियर फ्रेंड, सबसे पहले अगर कुछ भी चीज आपको एग्जाम में पूछे आप लोग को पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन करके रखा हो, जहां पर हम लोग लिखेंगे डियर फ्रेंड्स एकदम टॉप पे लिख दूंगा अभी मैं, किसकी बुक बना रहे माया, तो यहां लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ माया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, ये इस तरह से आपको पूरा लिखना है। आगे चलो, जब हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा बताओ इसका फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले हम लोग लिखे इक्विटी एंड इक्विटी लाइबिलिटीज, सब उसमें आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
करंट लायबिलिटी में आएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें, ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगर कुछ देना बाकी है तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज अदर क्रेडिटर्स, ठीक है, ये स्मॉल हो गया अदर। अदर करंट लायबिलिटी क्या है यहां पर, अदर करंट लायबिलिटी फॉर्मेट याद होना चाहिए, एसेट में आता है नॉन करंट एसेट जहां पर हम लोग पहली बात करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी एट कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग ने बना दिए थे क्या, फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद में अब आते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर फंड। अच्छा शेयर होल्डर फंड में यहाँ पे देखो जरा ढूंढो यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है, शेयर होल्डर कितना दिया हुआ है जरा देखो यहाँ पे, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 1 रुपीज है ईच और इसका अमाउंट ही टोटल 5 लाख। अब हम लोग इसके लिए नोट्स या अकाउंट बनाएंगे, हमेशा याद रखना है नोट्स या अकाउंट बनाएंगे, शेयर कैपिटल लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथोराइज इश्यू कैपिटल लिखना कंपलसरी इसी वे में। एक की वैल्यू कितनी है 1 रुपीज और कितने शेयर्स हो गए 55 लाख है, मतलब यहां पर आपका आ जाएगा 50,000 शेयर्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, सॉरी 1 रुपीज है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपीज आ गया। अब इसमें और भी कुछ है क्या ऐसा, प्रिफरेंस शेयर्स है क्वेश्चन में, नहीं तो हम लोग यहां लिखेंगे नोट्स या अकाउंट का नंबर वन, और नंबर वन में हम लोग कितना मिला 5 लाख है जिडिस लिख देंगे, डन। हाँ सर डन। आगे रिजर्व एंड सरप्लस, चलो फटाफट रिजर्व एंड सरप्लस खाकर ढूंढो फटाफट। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहले है आप लोग का, देखो यहां पे ढूंढो दो, एक तो जनरल रिजर्व है ये, रिजर्व एंड सरप्लस में और क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस भी था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है आप लोग का 2 लाख रुपीज दिख रहा है यहां पे सबको। उसके बाद में लेस करेंगे एप्रोप्रिएशन दिख रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ आएगा तो आपको हमेशा माइनस करना, फॉर्मेट बोलते हैं जनरल रिजर्व को 1 लाख रुपीज तो ये माइनस होता है, जब भी ट्रांसफर आएगा ना वर्ड प्लस भी होगा माइनस भी होगा, इसके लिए आपको मेरा फॉर्मेट ऑफ जनरल रिजर्व देखना पड़ेगा, वहां से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको वर्ड ट्रांसफर आता है तो सबसे पहला जनरल रिजर्व में ऐड कर दो और उसको हैज इट इज लेस कर दो, तो 2 लाख रुपीज में से 1 लाख गया तो 1 लाख बचेगा। आगे जनरल रिजर्व एंड हैज पर और भी दिया, जनरल रिजर्व देखो कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपीज लिखा। अच्छा मैंने क्या बोला था, पहले माइनस करेंगे हम लोग उसके बाद में प्लस करेंगे, तो माइनस यहां कर दिया मैंने और 1 लाख रुपीज को यहां प्लस कर दिया, तो दोनों कितना हो गया टोटल 2 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया टोटल 3 लाख। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल रिजर्व, क्या हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पर आएगी नोट्स या अकाउंट 2 लिखेंगे और यहां लिख देंगे 3 लाख। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहां आता है ट्रेड पेबल सेंड्री क्रेडिटर्स, दो दिया हुआ ना यहां पे, कितना दिया हुआ है सेंड्री क्रेडिटर आपको दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 1,50,000, कितना दिया है 1,50,000, तो यहां लिख देगा 1,50,000 और कुछ नहीं है ना, तो लिख दो फटाफट 1,50,000। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो क्रेडिटर दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग, यहां पे दिया हुआ है 1,50,000 और यहां पे क्लियरली मेंशन है क्रेडिटर इंक्लूड पेबल टू, किसको दिया है एमएसएमएसई, तो हम लोग इसके लिए हम लोग सेपरेटली क्या बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, इस तरह से दो बनाएंगे मतलब, ठीक है, ट्रेड पेबल में बना दिया हम लोग ने दो, तो टोटल आउटस्टैंडिंग यहां पे हम लोग 40,000 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद में बी वाले में एक और चीज लिखेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग माइक्रो, तो टोटल कितना था डियर स्टूडेंट्स 1,50,000 था, तो 1,50,000 में से अगर आप लोग 40,000 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 1,10,000 आ रहा समय में, फिर से बोल रहा हूं 40 और 10 को अलग से हम लोग क्या करेंगे मेंशन करेंगे, चाहिए तो यहाँ पे ट्रेड पेबल में दो बार करके लिखेंगे तो भी चलेगा, एकदम शॉर्ट में लिखोगे इतना बे में नहीं लिखोगे, क्रेडिटर्स लिख दो यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंड्री क्रेडिटर का आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आता है सेंड्री क्रेडिटर के दो इन्फॉर्मेशन देगी तो दोनों करेगी, अगर सेपरेट करना ही पड़ेगा 3 और 4 करके, तो यहां पे मैंने 40,000 कहा लिखा जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ वो लिखा, और 1,10,000 आपको कहां से मिलेगा जो मैंने आपको बताया वहां से माइनस करना है, ठीक है। अब उसके बाद में है तुम्हारा फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, सो है अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी में यहां पे देखोगे एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मतलब मुझे मिल गया कस्टमर से कितना 50,000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 50, तो अलग से हम लोग क्या करेंगे नोट्स अकाउंट बनाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी लिखेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर 50,000, इसका एडजस्टमेंट नंबर क्या है नोट्स अकाउंट 4 है,
यहाँ पे 4 आके लिखे गए और यहाँ पे लिख देंगे 50,000। कितना लिख देंगे? 50। अब हम लोगों कर लेना है टोटल, पूरी लाइब्रेरी टोटल कर देंगे, ठीक है। 5 + 3 = 8 लाख, 8 लाख + 4 = 8 लाख 40, 8 लाख 40 + 8 लाख 9 लाख 50, और ये दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल तुम्हारा 10 लाख, ठीक है। लाइब्रेरी आपका हो गया टैली। अब यहां पे सबसे पहले नॉन करंट एसेट, यहां पर सबसे पहले हमको लिखना है डियर फ्रेंड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहां पर एक दो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था फिक्स एसेट, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी हेडिंग डाल दिया, यहां पे लिख दिए एट कॉस्ट कितना है 2,10,000 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, ये सब मैं बहुत अलग से मतलब एकदम इजी करके दे दिए। तो 2 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1,50,000, कितना मिलेगा। तो ये हो गया आपका नोट्स अकाउंट नंबर 5 प्रॉपर्टी का। तो जहां पर ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मेट में लिखे है प्रॉपर्टी, जस्ट हमको 5 नंबर लिख के 1,50,000 लिखना है। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, चलो ढूंढो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किधर है क्वेश्चन में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे डियर फ्रेंड्स आप लोगों को कितना दिया हुआ है, जरा ढूंढो फटाफट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हा ये तो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, नॉन करंट देखो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स दिख रहा आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज, कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। तो यहां पे डायरेक्टली आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज लिखेगे और उसका नोट्स अकाउंट में जाके फटाफट यहां पे पोस्ट कर देंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस देखो क्लियरली क्वेश्चन में दिखा हुआ है, एडवांस का फिक्स डिपॉजिट हो गया, हाँ ये दिया हुआ है, कहा यही तो कहा, हाँ एडवांस इनकम टैक्स दिख रहा सबको, एडवांस इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, एडवांस इनकम टैक्स, तो एडवांस इनकम टैक्स जो दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स आप लोग का दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, ठीक है। हम लोग ने लिख दिया यहां पर 2 लाख रुपीज एडवांस इनकम टैक्स। अच्छा अगर क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है प्रोविजन फॉर इंडियन टैक्स, प्रोविजन मतलब होता है डियर फ्रेंड्स आप लोग को माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस, दो यहां लिख दिया मैंने लेस प्रोविजन फॉर पेंडिंग असेसमेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका सिर्फ 25,000, तो हम लोग को आना है यहां लिखना है लॉन्ग एंड टर्म में 25,000, सिर्फ क्या लिखना है 25,000, ठीक है। उसके बाद में करंट एसेट हेडिंग डाल दिए, उसमें आता है करंट इन्वेस्टमेंट, देखो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ना फिक्स डिपॉजिट, सर फिक्स डिपॉजिट तो लॉन्ग टर्म में आता है लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी 2022 में ही दे देगा, मतलब उसी साल में दे देगा, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं जो एक साल के लिए छोटा फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी इन्वेस्टमेंट उसको करंट में डालते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखेंगे उसको अलग से करंट इन्वेस्टमेंट हेडिंग डालेंगे और फिक्स डिपॉजिट विद आईडीबीआई बैंक 2,50,000, और कुछ है क्या, नहीं है सर डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। इन्वेंटरी एट कॉस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में, जरा ढूंढो इन्वेंटरी एट कॉस्ट दिया 75,000 डायरेक्टली दे दिया, मतलब यहां पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो इसका भी एक फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक लिखते, तो डायरेक्ट लिख दिए 75,000 इन्वेंटरी कॉस्ट। ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला क्या है ट्रेड रिसीवेबल में, आता है तुम्हारा डेटर्स है क्या, डेटर्स हाँ सर डेटर्स है ना 1 लाख। अच्छा यहाँ पे आरडीडी भी दिया था क्वेश्चन में, जरा देखो अभी हम लोग ने देखे थे, या बैड डेब्ट ऐसा कुछ वर्ड दिया था आरडीडी या बैड डेब्ट करके ढूंढो, हाँ दो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये 12th में सब लोग ने पढ़े, माइनस करते हम लोग क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगी हम लोग 9 नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 75,000 सेंड्री डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो ये हो जाएगा 1,50,000 और हम लोग अपने नॉर्मल एंट्री पे आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000। अब लास्ट में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं डायरेक्ट लिखता था लेकिन यहाँ पे दो चीज दी हुई, तो अगेन मुझे इसका भी नोट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, और ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए क्या किया बना के रखा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हेडिंग डाल दी, सबसे पहला लिखा कैश इन हैंड, उसके बाद में बैलेंस विद द बैंक, तो 50,000 प्लस 1 लाख इजिकल टू 1,50,000, तो ये दोनों को हम लोग ने कहा पुट अप कर दिए डियर फ्रेंड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका नोट्स अकाउंट डाल देंगे डियर स्टूडेंट्स कहां पर, यहां, ठीक है। अब ये प्लस कर दोगे फटाफट एसेट के बाद वाला 1,50,000 2 लाख 25,000 2,50,000 75,000 1,50,000 1,50,000, तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 लाख। ये 10 लाख और ये 10 लाख अगर सेम आ गया डेट मीन्स आप लोग का आंसर टैली हो गया है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड लाइबिलिटी इज इक्वल टू द टोटल एसेट। तो ये था आप लोग का टीवाई बीकॉम 2023 का अप्रैल का पेपर सॉल्यूशन। तो 2024 और 23 के भी ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो अपलोड कर दी है, और जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो,
जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ये सॉल्यूशन का भी और क्वेश्चन का भी मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। फोर के बाद में ले लीजिए आप लोग। ये था सॉल्यूशन। अब इसका नोट्स अकाउंट का भी आप लोग चाहिए तो ले लो एक बार। ओके लास्ट सिक्स वन सो ये था आप लोग का सॉल्यूशन और ये है आप लोगों का क्वेश्चंस। एकदम क्लियरली देख सकते हो 10 मार्क्स आपको इजीली मिल गए होंगे ये सॉल्व करने के बाद में। जस्ट जस्ट आप लोग सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लो। और अगर आपने बोले रहे कि सर इसका क्या करेंगे, ये हम लोग प्रपोज डिविडेंड इग्नोर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं इग्नोर, इसका आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये एक बार आप लोग प्लस करोगे, एक बार आप लोग माइनस करोगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।